नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आइए आपको ले चलते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों पे। राज्य के विश्वविद्यालय हर हाल में करें एकेडमिक व शैक्षणिक कैलेंडर का पालन। बिहार के राज्यपाल फागुन चौहान ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को हर हाल में एकेडमिक और एजुकेशनल कैलेंडर का पालन करना होगा। साथ ही साथ जून 2020 तक सभी पाठ्यक्रमों के सत्र नियमित होने चाहिए। डीएलडी की परीक्षा 9 सितंबर से, आज 9 सितंबर से 8 शिक्षण संस्थानों में डीएलडी की परीक्षा होगी। परीक्षा दो सिटिंग में होगी। पहली सिटिंग सुबह 10 बजे से 1 बजे तक तथा दूसरी सिटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। एनआईयूएस से डीएलईडी करने वाले नहीं बन सकेंगे सरकारी शिक्षक। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज ने डीएलईडी करने वाले बिहार प्रारंभिक शिक्षक परीक्षा का आवेदन नहीं भर सकेंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने बिहार सरकार को स्पष्ट किया है कि 18 माह का डीएलईडी कोर्स शिक्षकों की नियुक्ति की योग्यता में शामिल नहीं है। नवंबर से पहले होंगे पैक्स चुनाव। बिहार में पैक्स चुनाव का शुभारंभ जल्दी होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूबे के 8463 पैक्सों के लिए चुनाव कराने जाने हैं। नए साल पर गो एयर का बंपर ऑफर। पटना से दिल्ली रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए गो एयर ने नए साल पर बंपर ऑफर का ऐलान किया है। गो एयर ने पटना से दिल्ली का किराया 2200 रुपए करने का ऑफर दिया है, जिसकी बुकिंग रविवार से शुरू हो चुकी है। बीएयू की दो दिवसीय सेमिनार पटना में शिफ्ट। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दो दिवसीय इंटरनेशनल लेवल सेमिनार का शुभारंभ 14 अक्टूबर से होना था, लेकिन भागलपुर तक हवाई सेवा उपलब्ध न होने के कारण विदेशी विद्वान वहां जाने के लिए राजी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अब सेमिनार को पटना में ही शिफ्ट कराया गया है। होंडा एक्टिवा 125 होने जा रहा है लॉन्च। देश की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली स्कूटर होंडा एक्टिवा को अब कंपनी BS6 इंजन के साथ 11 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। इस नए एक्टिवा का बेहतर माइलेज और बेहतर प्रदर्शन होगा। बोर्ड में नियुक्तियों के लिए नीतीश से मिले भूपेंद्र यादव। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बोर्ड और निगमों में खाली पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। फसलों की प्रगति की देखरेख किसान खुद करेंगे। सहकारिता विभाग के मंत्री राणा रणधीर सिंह ने फसल सहायता योजना समर्पित डैशबोर्ड तैयार किया है, जिसके तहत राज्य के किसान अब फसल की प्रगति खुद देख सकेंगे। इस योजना के साथ ही साथ धान खरीद के लिए किसानों के निबंधन की भी शुरुआत की गई है। 7 नवम्बर को होगा बिहार का TET परीक्षा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि बिहार में शिक्षक पात्रता यानी कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक की परीक्षा का आयोजन 7 नवम्बर से करेगी। डाक विभाग के वैकेंसी की आवेदन तारीख बढ़ी। भारतीय डाक ने ग्रामीण डाक सेवा में होने जा रही भर्ती की आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 16 सितंबर 2019 तक आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। खाड़ी देशों में फिर महकेगी गया की बनाई अगरबत्तियां। अगरबत्ती के चल रहे व्यापक मंदी के बाद केंद्र सरकार ने अगरबत्ती व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब गया में बनने वाली अगरबत्तियां खाड़ी देशों में बेची जाएंगी। चेतन भगत आज आएंगे पटना। आर्केड बिजनेस स्कूल द्वारा आयोजित सेमिनार का हिस्सा बनने मशहूर लेखक चेतन भगत आज पटना आएंगे। चेतन इससे पहले भी 2 बार पटना आ चुके हैं। अब घर बैठे बुक कराए फैंसी और मनचाहा नंबर। अब ग्राहक अपनी गाड़ियों के लिए लकी और फैंसी नंबर ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। अब फैंसी नंबर के लिए ग्राहकों को DTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे। परिवहन विभाग ने ग्राहकों की समस्या का निजात करते हुए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बने 5 काउंटर। मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के पश्चात सभी वाहन धारकों के पास जरूरी डेटा उपलब्ध अनिवार्य होने से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों की कतार बढ़ती जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए DTO में बने 5 काउंटर। शिक्षकों के पदों पर होगी बहाली। BEd की परीक्षा पास किए अभ्यर्थी के लिए अच्छी खबर है। बिहार में शिक्षक के 37,000 पदों पर बहाली होने वाली है। इन पदों के लिए STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 9 सितंबर से 18 सितंबर तक बोर्ड के वेबसाइट www.basebstet2019.in पर आवेदन कर सकते हैं। पटना सहित 6 जिलों की सड़कें होंगी दुरुस्त। पथ निर्माण विभाग ने पटना सहित 6 जिलों में 76 किलोमीटर के सड़क निर्माण के लिए 168 करोड़ को मंजूर कर दिया है। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार में क्रिकेट की बेहतरी के लिए COA ने उठाए अहम कदम। क्रिकेट के मामलों की देखरेख और ताज़ा चुनाव कराने के लिए COA ने बिहार क्रिकेट संघ के लिए 3 सदस्य स्वतंत्र पर्यवेक्षी समिति नियुक्त की है। बनने जा रहा है बिहार का पहला अंडरपास एक्सेलेटर। गांधी मैदान को सम्राट अशोक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से जोड़ने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड ने अंडरपास एक्सेलेटर के निर्माण की योजना बनाई है। नीतीश की झारखंड नीति।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड में एसटी और एससी को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण मिल रहा है, तो पिछड़ों और अति पिछड़ों को 27% आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। सिवान की रीना को मिला बेस्ट सपोर्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। सिवान की रीना रानी को सबरंग अवार्ड समारोह में फिल्म संघर्ष के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अवार्ड मिलने के बाद रीना ने कहा कि इस अवार्ड से मानो जिंदगी का आधा संघर्ष कम हो गया हो। पर्यावरण संरक्षण को करना होगा जीवन शैली में शामिल। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन पर्यावरण जागरूकता विषय पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब बिहार को नवीनगर बिजली घर का 85% बिजली मुहैया। केंद्र ने बिजली घर में हिस्सेदारी को लेकर नया शेड्यूल जारी करते हुए कहा कि अब बिहार को नवीनगर बिजली घर से लगभग 85% बिजली मिलेगी। 65 वर्ष तक काम कर सकेंगे शिक्षा विभाग के अफसर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग के अफसर और कर्मी 65 वर्षों की आयु तक काम कर सकेंगे। संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा योजना बढ़ी। बिहार सरकार ने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में संविदा पर काम करने वाले लोगों की सेवा की योजना अवधि में विस्तार करते हुए 60 साल करने का निर्णय लिया है।